हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में, और अमेरिका से एक फिर से बुरी खबर आई है जिसके चलते हुए अमेरिका के बाज़ार में आज दबाव है। और आज अपने यहाँ पे निफ्टी जो किस प्रकार से काम किया है आपने देखा ही होगा, लेकिन अमेरिका के अंदर उस न्यूज़ के चलते हुए कितनी गिरावट हो सकती है वो देखेंगे, और फिर हम जो है हमारी ट्रेडिंग है वो प्लान करेंगे कल, ठीक है। अब उसके साथ में आपको हिंडाल्को के, अडानी पोर्ट के, इरकॉन इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर के, इनके रिजल्ट्स आए, किस प्रकार के आए हैं वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ों की अपडेट, न्यूज़ की अपडेट, इंपॉर्टेंट लेवल्स की अपडेट, किसी रिसर्च की अपडेट वहीं पे मिलती है। और साथ में अपने आप जो आप अपने ट्रेड है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। मैंने चैट सेक्शन ओपन करके इसीलिए रखा हुआ है, तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं यहां पे जो न्यूज है उनके ऊपर। तो सबसे पहली न्यूज तो यह है कि HDFC बैंक है उसके अंदर FTSE में बढ़ेगा HDFC बैंक का वेटेज, ठीक है। वेटेज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, FTSE इमर्जिंग जो यहाँ पे फंड है उसके थ्रू यहाँ पे HDFC बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। पैसा कितना आएगा तो यहाँ पे तीन चरणों में पैसा है या वेटेज है वो बढ़ने वाला है, लगभग 4150 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कितना बड़ा यहाँ पे 13 से 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बड़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक साथ इतना पैसा आना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इस वजह से HDFC बैंक है वो ये कितना ग्रो करता है, कितना यहाँ पे अपसाइड में फ्लो करता है वो देखना होगा। इस वजह से अगर बैंक जो यहाँ पे बैंक निफ्टी है वो चलते हैं, बैंक हैं वो चलते हैं, और साथ में आपको SBI है उसके ऊपर भी फोकस करके रखना है कि वो अगर चलता है इसके साथ में तो बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पे ये है वो फिर से लाइफ टाइम हाई के पास में जा सकता है, तो ये तो एक न्यूज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है, आज से यानी कि 8 अगस्त से MPC की 3 दिनों की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। MPC क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठ चुकी है, और 10 तारीख को 11 बजे अपनी ब्याज दरें का फैसला है वो आने वाला है। तो वो देखना होगा कि यहाँ पे RBI गवर्नर साहब हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। देखो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होके आई थी पिछले यहाँ पे जो पिछले मंथ की थी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस मान के ये चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ के आएगी। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ के आती है तो भी यहाँ पे मार्केट उसको हल्का सा नेगेटिव ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसलिए ले सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन है वो पिछले मंथ के अंदर भी बढ़ के आई थी। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ सकती है। फिर ये थोड़ा जो रेट कट की बातें चल रही थी कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है, अगर ये हल्का सा बढ़ा भी देते हैं तो भी इसके अंदर कोई यहाँ पे सरप्राइज नहीं होगा मार्केट के लिए, लेकिन नहीं बढ़ाते हैं अगर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। तो ये एक चीज़ होने वाली है आपके लिए। तो ये 10 तारीख को फैसला आएगा 11 बजे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में BEML के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि बेंगलोर मेट्रो से 3177 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BEML को, तो ये इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। साथ में ये जो आज जो अमेरिका से नेगेटिव न्यूज़ आई थी वो क्या थी, और ये इसके चलते हुए वहाँ का जो डाउ जोन्स है वो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे माइनस के अंदर दिखा रहा था। अब ये क्या न्यूज़ है कि वो रेटिंग एजेंसी है जिसे पहले ही जो फिच है उसने अमेरिका की रेटिंग को AAA से लेकर माइनस करके या घटा करके AA+ कर दिया था, यानी रेटिंग घटा दी थी, और उस वजह से मार्केट गिरे थे। अपना भी मार्केट उसी को लेकर के यहाँ पे गिरा था, बहाना कुछ भी हो लेकिन गिर गया था, ठीक है। अब मूडीज है, अब देखो एक कोई रेटिंग एजेंसी घटाती है तो दूसरी भी उसका आउटलुक है वो चेंज करेगी। अब एक न्यूज़ के चलते हुए यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है तब मार्केट उसका रिएक्शन दे देता है, लेकिन फिर मार्केट के अंदर उसी प्रकार की न्यूज़ आती है और जो यहाँ पे उसी प्रकार की आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं होती है तो मार्केट उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूडीज ने क्या किया है।
अमेरिका के 10 बैंक हैं, उन 10 बैंकों के अंदर यहाँ पे रेटिंग है उसको कट किया है। अब उनके अंदर बड़े बैंक भी हैं, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, ठीक है, यूएस बैंक कॉरपोरेशन है, स्टेट स्ट्रीट है, ट्रस्ट फाइनेंशियल है, तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट फाइनेंशियल है, तो ये सारे बैंक हैं यहाँ पे अभी 10 बैंक हैं, ये मैंने आपको बड़े बैंकों के नाम दिए हैं। तो जो बड़े बैंक हैं 10 बैंक हैं उनके यहाँ पे क्या किए हैं, रेटिंग को कम किया है। और रेटिंग बैंकिंग सेक्टर का कम करना ये होता है कि वो इकोनॉमी आगे कम कर सकते हैं, इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड कर सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रात में वहाँ पर क्या आएगा वो देखना होगा, अब फिर उसके बाद में ही हमारे मार्केट ओपन होंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कल इनका मार्केट का मूड है वो क्या रहा, इस इम्पैक्ट इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहा डाउ जोन्स पे, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग के अंदर 8:30 बजे अपडेट कर दूंगा, तो वो आप देख लेना। अब चलते हैं जो हमारे रिजल्ट सेक्शन है उसके ऊपर, तो अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अडानी पोर्ट के रिजल्ट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सब तरीके से देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट ने 5940 करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था, आया है 6247 करोड़। प्रॉफिट मार्केट एक्सपर्ट करके चला था 2025 करोड़ का, प्रॉफिट आया है 2119 करोड़ का। एबिटा मार्केट मान के चल रहा था 3530 करोड़ का, एबिटा आया है 3764 करोड़ का। मार्केट यहाँ पे मार्जिन्स है वो 59.43 करोड़ रुपए करीबन मान के चला था, तो 60% के करीबन यहाँ पे आया है। तो ये रिजल्ट्स हैं वो अच्छे वाले रिजल्ट्स हैं, इसके चलते हुए इसके अंदर चाल भी आई है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडानी ग्रुप की सोने का अंडा देने वाली वैसे भी मुर्गी बोला जाता है इसको, तो इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। साथ में आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके अंदर हिंडाल्को के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हुए हैं, हिंडाल्को के रिजल्ट्स देखोगे तो ये आप वीक रिजल्ट्स बोल सकते हो उनको, और यहाँ पे ओके रिजल्ट भी बोल सकते हो। क्यों इनको मैं बोलूँगा चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 42,560 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए, उसके मुकाबले 52,991 करोड़ रुपए का आया है। 1981 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, उसके मुकाबले 2454 करोड़ रुपए का आया है। और यहाँ पे जो एबिटा है वो 4231 करोड़ रुपए के मान के चल रहे थे, 5714 करोड़ रुपए आया है, ठीक है। मार्जिन्स मान के चल रहा था मार्केट की 9.94% के करीबन आना चाहिए, उसके मुकाबले 10.74% के करीबन आया है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उनको बीट किया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो आप, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देख लो, ठीक है, दोनों के हिसाब से जो मार्जिन्स हैं वो घट के आए हैं, ठीक है, मार्जिन्स क्या हैं घट के आए हैं, तो ये एक चीज़ है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं घट के आए हैं, ये सिर्फ जो ईयर ऑन ईयर है वो यहाँ पे मार्जिन्स हैं वो घट के आए हैं, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे सभी प्रकार से रिजल्ट्स अच्छे बोल सकते हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप थोड़ा सा डिक्लाइन मान सकते हो। इसके बाद में चंबल फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स हैं वो ओके टाइप के रिजल्ट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो, ये स्ट्रीट के एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और ये एक्चुअल रिजल्ट्स जो आए हैं। 5589 करोड़ मार्केट मान के चला था, यहाँ पे एक्चुअल रेवेन्यू आया है, मार्केट मान के चला था 6127 करोड़ रुपए का, 324 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मान के चल रहा था, 615 करोड़ रुपए का एबिटा मान के चल रहा था, तो प्रॉफिट तो आया है 338 करोड़ रुपए का, एबिटा आया है 633 करोड़ रुपए का, और मार्जिन यहाँ पे बढ़ के आए हैं 11.34% के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो ओके टाइप के रिजल्ट्स हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर है वो रेवेन्यू थोड़ा सा घट के आया है, प्रॉफिट थोड़ा सा घट के आया है, और रेवेन्यू है वो मार्केट मान के चल रहा था उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे घट के आया है। बाकी आप देखोगे सभी चीज़ों के अंदर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तरीके से इसको बोल सकते हो। इसके बाद में जो रिजल्ट्स हैं वो है इरकॉन इंटरनेशनल के, इरकॉन इंटरनेशनल के रिजल्ट्स हैं वो ओके टाइप के बोल सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर देखोगे या आप देख सकते हो कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट करके चला था उनको बीट किया है। ये है स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट्स हैं वो हैं, और यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करके चला था कि 2022 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए, उसके मुकाबले 2625 करोड़ का आया है, प्रॉफिट 131 करोड़ रुपए का मान के चला था, 161 करोड़ रुपए का आया है, 120 करोड़ का एबिटा आना चाहिए था, उसका मुकाबले 170 करोड़ आया है, यहाँ पे लगभग 6% का मान के चल रहा था, 5.95% जो मार्जिन है वो मान के चला था, उसके मुकाबले 6.5% आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट जिस प्रकार से एक्सपेक्ट करके चला था उनको बीट किया है, अच्छे रिजल्ट्स मान सकते हो। तो ये रिजल्ट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया।
जो न्यूज़ थी उनके बारे में आपको अपडेट दे दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।